सखियों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाली है, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एकदम टेस्टी टेस्टी स्पंजी स्पंजी रसगुल्ला। है देखिए, ये है रसगुल्ला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला बनाने के लिए। देखिए कितना बढ़िया है, इसमें धार निकल रहा है, इसके मतलब ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट है। दिवाली आ गई है, दिवाली की आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको दिवाली का नाम सुनते ही मुंह में मिठास आ जाती है। हम सबसे ज़्यादा दिवाली में पटाखे और मिठाइयों का इंजॉय लेते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर पे एकदम शुद्ध मिठाई बनाने के लिए। झटपट बहुत ही जल्दी आपका मिठाई बन के तैयार हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, और आधा से 1 किलो दूध में आपका 1-1.5 किलो मिठाई बन जाएगा। कम से कम आधा खर्च लगेगा बाजार की मिठाइयों से ज़्यादा। चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज, इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम आपको बताएंगे रसगुल्ला। ये है, हमने ले लिया है ये दूध। जो भी आपके पास दूध है अवेलेबल उसी दूध से बना सकते हैं। अगर काऊ मिल्क है तो बहुत ही बढ़िया है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं ये पैकेट वाले दूध से, किसी भी पैकेट का ले सकती हैं, काऊ मिल्क है या फैमिल मिल्क। ये हम दूध को फाड़ेंगे, इसमें हम एक बर्तन में इस दूध को डाल देंगे। ये आधा लीटर दूध है। दूध डाल दिए, अब इसे हमें गर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ एक उबाल आने तक इसे गर्म करना है। गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसमें उबाल आए। जितना तेज आपका गैस जल रहा है उतना तेज आप रख दीजिए, इसमें उबाल आने दीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं, दूध हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसे फाड़ना कैसे है उसे देख लेते हैं। इसी के लिए हमें लेना है नींबू। अगर आपके पास सफ़ेद वाला सिरका है तो आप सफ़ेद वाला सिरका भी ले सकती हैं। इसमें हम आधा नींबू लेंगे, कम से कम 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच इसका रस होना चाहिए। इसे हम छानेंगे छन्नी से ताकि इसमें कोई बीज ना रहे, इसे अच्छे से छन्नी से छानेंगे। देखिए इसमें करीबन 2 चम्मच इसमें से रस निकल गया। अब इसमें हम डालेंगे, 2 चम्मच रस है, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच पानी। इसमें हम डालेंगे कम से कम 4 चम्मच पानी। इसमें पहले से हम डाल दिए हैं पानी, इसे एकदम मिला लेंगे। ज़्यादा खट्टा नहीं डालना है हमें दूध में, क्योंकि अगर दूध में आप खट्टा डायरेक्ट डालेंगे नींबू तो आपका दूध खट्टा हो जाएगा, आपका छेना अच्छे से बनेगा नहीं। दूध उबल रहा है, इसे बस उबलेगा, एक उबाल आने तक हम गैस को बंद कर देंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तब गैस को करेंगे बंद। दूध उबल गया है, देखिए एक उबाल आ गया, अब इसे हमें गैस को बंद कर देंगे। अब हमें इसे खुला ही रखना है, इसे ढकना नहीं है। अब आपको इसे कछुल लीजिए, इसे उठा उठा के इसे दूध को ठंडा कीजिए। इसे गर्म नहीं फाड़ना है, ठंडा ही फाड़ना है। अगर आप इसे गर्म फाड़ देती हैं तो आपका छेना टाइट हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है, इस दूध को ठंडा करके ही फाड़ना है। आपको इतना ठंडा करना है ताकि आपको बर्तन आप अपने हाथों से टच कर सके, पकड़ सके, इतना ही आपको ठंडा करना है। जब आप अपने हाथों से पकड़िए आपका बर्तन, आप अपने हाथों से पकड़ सकें तब आप इस दूध को फाड़ें। इसे उठा के इसे से हम इसे ठंडा करेंगे। देखिए दूध इतना ठंडा हो गया है कि हम अपने हाथों से पकड़ रहे हैं। देखिए पकड़ के आपको दिखा रहे हैं, इतना ही ठंडा लेना है आपको कि आप अपने हाथों से पकड़ सके इसे। अब इसमें हम डालेंगे नींबू, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू डालेंगे, इतना नींबू डालेंगे, नींबू का रस इसे मिलाएंगे ऐसे, आपको ऐसे मिलाना है। जब तक फट नहीं जाता है आपका दूध तब तक आपको नींबू या सिरका मिलाना है इसमें। फिर से डालेंगे थोड़ा सा, फिर से चलाएंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ये फटना शुरू हो गया है। फिर मिलाएंगे, फिर से थोड़ा सा नींबू डालेंगे, फिर से इसे चलाएंगे।
जब तक ग्रीन वाला पानी नहीं आ जाता है तब तक आपको ऐसे मिलाना है। जब ग्रीन वाला पानी आ जाएगा तभी आपका परफेक्ट छेना बनेगा, नहीं तो आपका छेना बहुत कम बनेगा। इसे डालेंगे थोड़ा सा, फिर से इसे चलाएंगे, दोबारा से बेल डालेंगे, इसे फिर से चलाएंगे। अभी फटा नहीं है, अभी थोड़ा सा हमें और डालना पड़ेगा, थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, फिर से चलाएंगे। देखिए अलग होना हो गया, देखिए छेना निकल गया। अभी थोड़ी देर में इसमें ग्रीन पानी भी आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें ग्रीन पानी आ गया, छेना और दूध दोनों एकदम अलग हो गया। ये है आपका परफेक्ट छेना बन जाएगा, इसमें छेना आपका एकदम सॉफ्ट बनेगा। जब ग्रीन पानी आ जाए तब आपको उसे कपड़ा लेना है, सूती वाला कपड़ा लेना है, उसी से आपको छानना है। इसमें हमने ले लिया है कपड़ा, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन आपका कपड़ा सूती होना चाहिए या पतला वाला कपड़ा होना चाहिए ताकि आपका पानी अच्छे से इसमें छन जाए। अब इसमें हम डालेंगे इस छेने को, सारे छेने को अच्छे से डाल देंगे। अब इसे हमें छाटना है, देखिए एकदम ग्रीन वाला पानी निकल गया आपका, काफ़ी ज़्यादा छेना भी निकला है क्योंकि दूध हमने ठंडा करके निकाला है। सारे पानी को ऐसे हम दबा दबा के इसे छान लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी, इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें हम खट्टा पानी डाल दिए हैं, नींबू का पानी, तो इसमें हम खट्टापन सारा निकाल लेंगे। इसे अच्छे से आप दबा दबा के सारे पानी को अच्छे से निकाल लीजिए। आपके फाड़ने वाले प्रोसेस को एकदम से ध्यान रख के आपको करना है, तभी आपका छेना परफेक्ट बन पाएगा। आप इसे दबाइए, देखिए धार निकल रहा है, जब तक ये धार बंद नहीं हो जाता है तब तक आपको दबाना है, अच्छे से जितना पानी है आपका इसे निचोड़ लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको किसी चीज़ से इसे दबाना नहीं है, दबा के नहीं रखना है, बस ऐसे आप इसे दबाइए हाथों से, अपने सिंपल हाथों से दबाइए। देखिए सारा पानी इसका निकल जा रहा है, पानी हो गया बंद, देखिए बहुत पानी हो गया है बंद, अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। अब इसे हम एक ऐसे रोए वाला कपड़ा लेंगे, जैसे तौलिया होता है ना, तौलिया होता है रोए वाला कपड़ा, इसे हम ऐसे ढक देंगे, इसको पहले इसको बांध लेंगे ताकि सारा पानी इसमें तौलिए में आ जाए, सोख ले पानी। इसे हम ऐसे ढक देंगे, इसे अच्छे से ढक के इसे हमें 10 मिनट के लिए रख देना है, इसमें सारा पानी आ जाएगा, सूख लेगा तौलिया, तब इसे आधे भी 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। इसे हमने तौलिया में रख दिया है, 10 मिनट हो गया है, अब इसे हम देखते हैं, इसे खोल लेंगे, देखिए एकदम सूख गया है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। सारे हम छेने को अच्छे से निकाल लेंगे, बहुत ही परफेक्ट छेना बना है। अगर आप भी ऐसे ही बनाएंगे छेना तो बहुत ही परफेक्ट छेना आपका भी बनेगा। इसे हम अच्छे से, आपको इस हाथ से मसलना है, अच्छे से मसलना है, जैसे आटा का डो नहीं हो जाता एकदम सॉफ्ट, बस उतना ही हो जाए तब तक आपको मसलना है। इसी हाथ से, इसी वाली चीज़ हथेली के मदद से आपको ऐसे ऐसे रगड़ के इसे अच्छे से मसलना है। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बनेगा बहुत ही परफेक्ट छेना अगर आप इसे ऐसे मसलेंगे तो। देखिए मसलने पे एकदम से सॉफ्ट हो गया है, डो जैसा बन गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, इतना ही डालेंगे। इसे हम डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए ताकि गोला बनाने में आसानी हो, लेकिन आपको इसे मसल के ही डालना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से ऐसे मसल बस ऐसे इतना ही करना है, लेकिन आपको मसल के ही आपको इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाना है। ऐसे हम छोटा छोटा सा बॉल की जैसा बना लेंगे,
ऐसे आपको बॉल बना, देखिए कितना सुंदर है, इसमें कोई भी, देखिए बहुत ही सुंदर बॉल बन रहा है। ऐसे सारे बॉल को हम बना लेंगे। देखिए सारे बॉल्स एकदम सुंदर सुंदर से बन गए हैं। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। हम लेंगे इसमें एक कटोरी चीनी, जिस भी कटोरी से आप लीजिए, कोई भी कटोरी में या कप या कटोरी में आप एक कटोरी भर के चीनी लेना है। एक कटोरी ये चीनी है, चीनी को हम डाल देंगे एक बर्तन में। आपको गहरे वाला बर्तन लेना है ताकि रसगुल्ला बनाने में आसानी हो। इसी कटोरी से हम, देखिए हम इसी कटोरी से इसमें डालेंगे चार कटोरी पानी। एक कटोरी, दो, तीन, आपका पानी कम नहीं होना चाहिए, चार। इसमें हम डालेंगे चार कटोरी पानी। अब गैस को हम जला देंगे, चाशनी को, जब आपका चीनी चीनी आपका पिघल जाए तब इसमें आपको रसगुल्ला डालना, जब ये पानी उबलने लगे चीनी पिघल जाए। चाशनी एक उबाल आ गई है, चाशनी में देखिए उबल रहा है चाशनी। अब हम सारे रसगुल्लों को इसमें हम डालेंगे। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है, देखिए पानी में एकदम तैर रहे हैं। अब इसे हम ढक देंगे, इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। उबालने में कोई कंजूसी नहीं, अगर उबलेगा नहीं जल्द अच्छे से तो आपका अच्छा बनेगा नहीं। हम प्लेट को हटा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखिए काफ़ी छोटा छोटा सा रसगुल्ला था जब हम बनाए थे, देखिए एकदम डबल हो गया है। इसके मतलब ये चाशनी में डूब रहा है और बन रहा है अच्छे से। देखिए ये रसगुल्ला हो गया है तैयार, प्लेट को हटाते हैं। देखिए एकदम डबल टिबल हो गया है, फूल के एकदम बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बन के हो गया है तैयार। इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं, देखिए इतना सॉफ्ट बना है, इतना सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ला। देखिए आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया रसगुल्ला बना है। इसे खाइए और इंजॉय करिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेशन ज़रूर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।